अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाएं मेरे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्वादिष्ट पकवान में। मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड का हलवा। इसके लिए हमने लिया है 7-8 स्लाइस ब्रेड, हरी इलायची, कद्दूकस किया हुआ नारियल, किशमिश, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, घी और एक कटोरी मलाई। सबसे पहले हम स्लाइस ब्रेड को फ्राइंग पैन में डाल के सेक लेंगे अच्छे से। देखिए सारे ब्रेड सिक चुके हैं। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, इसका ब्रेड का चूरा तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड का चूरा तैयार हो गया है। अब एक बर्तन में हम इसका चीनी का चाशनी तैयार कर लेंगे। ये चीनी देखिए पूरी तरह से गल चुका है। अब इसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम गैस पे फ्राइंग पैन को गरम करेंगे। फ्राइंग पैन जब गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें देसी घी 2 बड़े चम्मच डालेंगे। देसी घी गरम हो जाने के बाद हम इसमें ब्रेड का चूरा डालेंगे। घी गरम हो चुका है, ब्रेड का चूरा हम डाल देंगे। और इसको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो ये जलने लगेगा। ये ब्रेड का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर बनाकर इसको खाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए ये भून चुका है। अब इसमें हम मलाई डाल देंगे। मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से हम फिर चलाएंगे। अब इसमें हम शुगर सिरप को डाल देंगे, जो हमने पहले से चाशनी बना कर रखा था उसको डालेंगे। और फिर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। बच्चे इस हलवा को बहुत ही पसंद से खाते हैं। इसमें थोड़ा सा 2-4 धागे केसर का भी हम डाल देंगे दूध में घोट कर। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम नारियल का जो कद्दूकस किया हुआ है उसको नारियल डालेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें किशमिश भी डालेंगे। इसमें इलायची पाउडर डाल के मिला देंगे अच्छे से।
तो किशमिश डालेंगे। अब ब्रेड का हलवा तैयार है, इसको अब हम सर्व करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। इसको किशमिश और ड्राई फ्रूट से गार्निश इसका करेंगे। ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।